दोस्तों, स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आज देखेंगे विंडोज का बेस मॉडल जो कि है सिग्मा। जल्दी में निकल गया थोड़ा, और मतलब बेस मॉडल आपको 5 लाख का पड़ जाएगा एक शोरूम, और बाकी आप एक्सेसरी जो आपको लेनी हो सब कस्टमाइज़ करा सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये आपको इतने का पड़ जाएगा, और यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो मिलता है, और ये कुछ ऐसी ग्रिल मिलती है। ये इन्होंने फेसलिफ्ट में चेंज किया जो अच्छी लग रही है। सामने से लुक ले लो पूरा, और पूरी ऐसे क्लैडिंग से मिल जाती है जो ठीक लगती है। प्रॉब्लम एक्सेसरी में आती है, क्योंकि 5 लाख में कोई आपको प्रॉब्लम ऑफर नहीं करेगा टॉप मॉडल को छोड़ के, ठीक है। और इधर ये ब्लैक कलर का पूरा वो आ जाता है, और ये पूरे ये डिज़ाइन से दे रखे हैं, ये अच्छा लग रहा है। और ये वॉशर्स हैं, और ये वाइपर हैं आगे के तो सब नहीं आएंगे, और बाकी पीछे का आप कौन सा वेरियंट ले रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। और साइड मिरर्स अगर हम देखें तो इस पर इंडिकेटर्स नहीं आएंगे, यहाँ पे आएंगे इसके इंडिकेटर्स, जो अच्छे नहीं लगते हैं वो तो आप आफ्टर मार्केट करा सकते हैं, पर वो मज़ा आएगा नहीं आपको, क्योंकि ये तो रहेंगे ही। ये हट जाएँ कहीं से ऑप्शन हो और वहाँ पे लग जाएँ तो वो अच्छी चीज़ है, और ये हटेंगे नहीं वो भी बात है। आप फेंडर चेंज करवाओ पूरा, उसमें खर्चा आ जाएगा, वो आपको फ़ायदा है नहीं। तो 5 लाख में लोगे भी क्या। और टायर्स देखो आप, इसमें वो आते हैं व्हील कवर्स, इसमें नहीं आते हैं, आप लगवा सकते हो। और अगर हम टायर साइज़ की बात करें तो मिलेंगे आपको 15 इंचेस के, और जो टायर कंपनी रहेगी वो इकोपिया ब्रिजस्टोन की रहेगी। और ये पूरा ए पिलर से ले कर सी पिलर तक पूरा यहाँ पे अर्बन एसयूवी बोलते हैं, तो लुक आया पूरा एसयूवी जैसा। और ये डिज़ाइन के लिए 3 दे रखे हैं, और ये 15 इंच के टायर, और यहाँ पे वो क्लैडिंग से दे रखे जो एसयूवीज में आती है एसयूवी बनाने के लिए। और ये नेक्सा का आप देख सकते हो, ये यहाँ पे स्टिकर, वाइपर, वॉशर, डिफॉगर कुछ नहीं मिलेगा इस वेरियंट में, बेस वेरियंट एकदम। और अगर हम बूट ओपन करें तो बूट स्पेस कितना है आपकी स्क्रीन पे आ रहा है देख लो। आइसोफिक्स की ये दे रखे माउंट्स, लाइट नहीं मिलेगी, बेस वेरिएंट है। पार्सल ट्रे आप लगवा सकते हो, इसको बंद कर लेते हैं। अब इस गाड़ी की कुछ डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। जो लेंथ है इग्निस की वो है 3700 mm की, और 1690 mm की आपको इसमें विड्थ मिलेगी, और जो हाइट रहेगी वो रहेगी 1595 mm की, जैसा कि आप स्क्रीन में देख भी सकते हैं अपनी, ठीक है। और सामने से देख लो हेडलैम्प का रिस्पांस, अगर मैं आपको चेक कर रहा हूँ तो ये हेडलैम्प्स और फॉग लैम्प, जैसे अगर आप जो वो वेरिएंट लेते हो इसमें इंटीग्रेटेड फैक्ट्री फिटेड फॉग लैम्प्स आते हैं, उनका फॉग लैम्प्स के लिए अलग से रिवर दे रखा होता है, पर अगर बाद में लगवाते हो तो हेडलैम्प्स के साथ ही आपको वो करवाने पड़ते हैं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता। आप जैसे हेडलैम्प जलाओगे वो बाय डिफॉल्ट जल ही जाएंगे आपके फॉग लैम्प, तो वो चीज़ है, इसको बंद कर लेते हैं। और ये अच्छा यहाँ पे अच्छा, अब इन्होंने ये भी लगाना शुरू कर दिया, फॉग लैम्प्स ऑफ, फॉग लैम्प्स ऑन, ये भी सही चीज़ है, लगा दिया इन्होंने बढ़िया तरीके से। और चाबी इसकी कुछ नहीं, सेंट्रल लॉकिंग भी नहीं मिलेगी, बस वो आप इनसे ही इंस्टॉल करवा सकते हो। और ये यहाँ पे भी मिलेगा, अच्छी चीज़ है। और ये एक ओनली एंड ओनली मारुति का नहीं पसंद है, कोई यहाँ पे इंडिकेटर होता है, बाकी किया ले लो और हुंडई ले लो, उसमें स्टाइल में दे रखा तो वो पसंद है, इन्हीं का जो बेस मॉडल में आता है ना वो नहीं पसंद। चाहे आप ये देख लो, चाहे इधर बलिनो खड़ी है वो देख लो उस पर, और जो ये कलर है वो ग्रे कलर है, और ये आप ध्यान में रख सकते हैं। और ये इग्निस, यहाँ पे नंबर प्लेट लगा सकते हैं आप, और ये इधर साइड से लुक ले लो आप, कोई डिफरेंस नहीं होता उधर और इधर में, पर देख लो आप पूरी इधर से लेके इधर तक, थोड़ा एक मिनट रुक जा। हाँ, इग्निस के कलर्स की बात करें तो वो हैं सिल्की सिल्वर, ग्लिसनिंग ग्रे, पर्ल आर्कटिक वाइट, नेक्सा ब्लू, टर्कोइज ब्लू, ल्यूसेंट ऑरेंज, और डुअल टोन जो ऑप्शन रहेंगे आपके पास वो है नेक्सा ब्लू विद ब्लैक रूफ, ल्यूसेंट ऑरेंज विद ब्लैक रूफ, नेक्सा ब्लू विद सिल्वर रूफ। और सिग्मा में केवल आपको 3 कलर्स मिलेंगे जो कि सिल्की सिल्वर, ग्लिसनिंग ग्रे और पर्ल आर्कटिक वाइट। और अब अंदर बैठते ही ये तो बात कहनी पड़ेगी, 5 लाख की गाड़ी है पर तब भी फील पूरा आ रहा है, मतलब सही गाड़ी वाला, चाहे कॉम्पैक्ट गाड़ी है तब भी, वो तो आप चाहे नेक्सा की कोई भी गाड़ी ले लो, इग्निस से लेके XL6 तक सारी गाड़ियाँ ही हैं, मतलब इनकी बढ़िया होती हैं, VIP वाला फील आता है पूरा। और जो टर्निंग रेडियस है इस कार का वो है 4.7 मीटर्स का, और इसमें RPM मीटर नहीं मिलता, बेस वेरियंट है, पर ये लाइट से मिल जाती है जो अच्छी लगती है देखने में। और कोई स्टार्ट स्टॉप भी नहीं मिलेगा, नॉर्मल चाबी लगा के सिस्टम मिलेगा, ये सेफ्टी के लिए लगा रखा है पर सही हो गया। और ये AC वेंट्स,
ये स्टीरियो है आपका पूरा, ये मतलब वो है, इनसे भी इंस्टॉल करा सकते हो, आफ्टर मार्केट आप टच स्क्रीन वाले के लिए भी जा सकते हो, आपकी चॉइस है पूरी। और क्योंकि ये लोग तो महंगा देते हैं वो तो बात है। और ये हजार्ड लैंप्स, ये एसी वेंट्स चार मिलते हैं, एसआरएस एयरबैग उधर है और एक इधर है, और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे क्योंकि ये तो आपका बाहर से लगा है, और अगर आफ्टर मार्केट जाओगे तो स्क्रीन भी लगा देंगे प्लस आपके स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी मिल जाएंगे आपको, तो वो भी अच्छी चीज़ है। और ऑटो एसी नहीं मिलता है इस वेरिएंट में, आपका मैनुअल एसी ही मिलता है। और जैसा, और ये 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलेगा बेस वेरिएंट में, और इसका यूएसबी और ऑक्स पोर्ट इसको यहीं पे मिलेगा आपको, यहाँ पे जो अपर वेरिएंट में होता है वो चीज़ नहीं है। ये गियर नॉब पे लगा रखा होगा इन्होंने, हटा दिया किसी ने। और जिस कलर की आपकी गाड़ी होगी उस कलर का यहाँ पे वो मिलेगा, ये इनसाइड डोर हैंडल। और जो एसेसरीज लगे उनकी वो है, लिस्ट है ये। और ये लाइट है, यहाँ पे मिलती सिंगल लाइट और पीछे नहीं मिलती कोई भी लाइट। और यहाँ पे दो पावर विंडो हैं, ये वाली ऑटो है, और लॉक अनलॉक दोनों मिलते हैं यहीं से, देखो लॉक अनलॉक। तो ये भी अच्छी चीज़ है कि लॉक अनलॉक दोनों दे रहे हैं आपको, और ये आप ट्रिप रीसेट कर सकते हो, और इधर से वो रेंज कितनी है वो सब देख सकते हो, की अवेलेबल नहीं है वरना मैं दिखा भी देता अभी आपको। और ये आप, ये पीछे देखने के लिए आपका IRVM, और इसको नीचे कर लेते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, बट इसको नीचे कर लेते हैं तो यहाँ पे भी कुछ नहीं मिलता। इस गाड़ी में आपको फ्रंट डिस्क ब्रेक्स और ये ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे, और जो माइलेज कंपनी क्लेम करती है वो 20.89 KMPL की। मेरे अकॉर्डिंग सीट हुई पड़ी थी पीछे की, पीछे आपको चक्री मिलती है चढ़ाने के लिए, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, बाकी आफ्टर मार्केट आप लगवा सकते हैं। ये मैं अपने हिसाब से बैठा था तो इतना स्पेस बच रहा है। और जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है इस गाड़ी की वो है 32 लीटर की, और इसमें रियर पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं स्टैंडर्ड, और ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट बेल्ट रिमाइंडर भी आपको इस गाड़ी के साथ मिलेगा विद स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक। तो अगर मेरी हाइट का कोई मतलब ज्यादा लंबा आगे बैठा है, मेरी हाइट का कोई बैठा है तो स्पेस नहीं बचेगा आपके पास, स्पेस के मामले में तो कम है ये गाड़ी थोड़ी। और एडजस्टेबल कोई भी एडजस्ट नहीं मिलेगा, सॉरी आगे के मिलेंगे भाई, ये देख लो 5 लाख के बजट में आपको आगे के मिल रहे हैं। स्विफ्ट ले लो आप LXi, उसमें आगे के भी नहीं मिलेंगे, ये देख लो आप, इसमें स्विफ्ट में पीछे के नहीं मिलेंगे, आगे के भी नहीं मिलेंगे। इसमें देखो 5 लाख में आपको आगे के एडजस्टेबल मिल रहे हैं, मतलब स्विफ्ट मेरे को पर्सनली लुक में तो स्विफ्ट ज़्यादा अच्छी लगती है, पर अब आपकी चॉइस है, ये देख लो मतलब मज़ा आ गया देखती। और इधर के भी ये नॉर्मल हैं जो आप देख सकते हैं, और इधर कोई एसी नहीं, नॉर्मल स्पेस, हैंड ब्रेक उधर, और पीछे की सीट बेल्ट तो मिलती ही है। पार्सल ट्रैप इंस्टॉल करवा सकते हैं बाद में सस्ते पैसों में, इधर हैंड रेस्ट, मतलब ये देखो टाटा की जो नेक्सॉन है उसमें बेस वेरिएंट में ये नहीं देते, मतलब इतनी कंजूसी है, देखो कम से कम दे तो रहे हैं 5 लाख में, और उसका 8 लाख का आता है तब भी नहीं देते, तो 5 लाख में दे रहे हैं तो ये अच्छी बात है। तो डायमेंशंस आपने देख ली, प्राइस मैंने बता दिया, और इसके सेफ्टी फीचर्स हैं हाई स्पीड वार्निंग अलर्ट, की लेफ्ट रिमाइंडर, ओवरटेकिंग टर्न इंडिकेटर, और इमोबिलाइजर एंड एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम। इग्निस का इंजन टाइप है VVT, डिस्प्लेसमेंट है 1197 cc की, 4 सिलेंडर इंजन है इसमें, और मैक्सिमम पावर है 61 kW की ऑन 6000 RPM, और मैक्सिमम टॉर्क है 139 Nm का 4200 RPM पे। आप इग्निस के बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको किस गाड़ी पे वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर करिए आप, और सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को शेयर करिए जो इग्निस लेना चाह रहे हैं जिनको पसंद है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।